ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आदौ गणपति पूजनम गणेश चतुर्थी सितंबर 7। और गणपति पूजन क्यों करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल इसका क्या महत्व है, कोई भी पूजा पाठ यज्ञ हवन तप का कर्म साधना माँ काली का साधना माँ गणम जो भी आप साधना करते हो, गणपति लक्ष्मी काले कार्तिक का शिव भगवान रुद्राभि कोई भी पूजा करो भाई, बिना गणपति के संभव नहीं है। और आपके जीवन में अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का साधना चाहते हो, बिना गणपति का तो कुछ संभव नहीं है। और आज के डेट में गणपति मतलब घट में पूजा कर देना गणपति को समझते हैं। और मैं जैसे कि बताया हूँ, जीवन में गणपति प्राप्त करना बड़ा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट होता है। और गणपति यंत्र, गणपति मंत्र, गणपति तंत्र को साधना करना और ज्यादा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट होता है। और अति भाग्यवान लोग गणपति को जीवन भर साधना करते हैं। गणपति का साधना व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा चीज इंपॉर्टेंट यही है कि आदमी को डाइवर्ट होने नहीं देता है, लक्ष्य में स्थित करता है, स्थिर करके आगे बढ़ाता है। जैसे पंडित लोग पूजा पाठ करते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं, अगर शुरू में गुरु गणपति और हनुमान और गोमाता का पूजा नहीं करते हैं, आवाहन नहीं करते, जागरण नहीं करते हैं, तो मैं कई बार देखा हूँ पंडित लोगों को, जो लोग भी गणपति साधना नहीं करते हैं या गणपति का सिद्ध नहीं है, तो वो लोग जिंदगी में हर एक पूजा पाठ में डाइवर्ट कर जाते हैं। जो शेड्यूल में चलना चाहिए, जो सूची में चलना चाहिए, नहीं चल पाते हैं। विघ्नहर्ता कर्ता बोला गया है। और आप लोग बहुत सारे, पहले भी मेरे पास 3-4 साल पहले बहुत सारे लोग बोले हम मेडिसिन का फार्मेसी खोले हैं, लेकिन बीच में रुक गया। हम बहुत बड़ा एनजीओ खोले हैं, बीच में रुक गया। बहुत बड़ा फैक्ट्री खोले हैं, बीच में बंद हो गया। बहुत बड़ा धंधा कर रहे थे और बीच में रुक गया, लॉस हो गया, जीरो में आके गिर गए। 4 सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा फंसाए थे, भीख मंगा बन गए। कोई काम करना चाहते हैं होता नहीं है, कोई काम करना चाहते हैं बड़े सारे बाधा विघ्न आता है। और हर महीना में एक बार चंद्राष्टम होता है तो जिंदगी में बाधा विघ्न परिपूर्ण होता है। दूसरा यह है कि भाई जिसका कुंडली में अष्टम का चंद्रमा है, अष्टम का शनि है, अष्टम का कोई भी ग्रह जहाँ बैठ जाए जिंदगी में, वहीं से बाधा विघ्न बना देता है। पितृदोष है तो ऊपर चढ़े हो ठीक, चढ़ते चढ़ते बीच में गिर गए। बड़े सारे महान काम करने के लिए निकले थे, शुरू तो बहुत लोग कर देते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे जिनको समस्या जिंदगी में समस्या है, तो इस गणपति चतुर्थी में जरूर श्री गणपति भगवान का दीक्षा लें, गणपति घर में स्थापना करें। गणपति गुरु हो जो गुरु, जैसे काली साधना साधक गुरु मिल जाए, ऐसे ही गणपति साधक गुरु मिल जाए तो जरूर गणपति का दीक्षा, मंत्र दीक्षा, यंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा लेना चाहिए। बोले ये तो पहले से बोले हो, इस वीडियो में क्यों बोलते हो? देखिए कई प्रकार के गणपति हैं, हरिद्रा गणपति है, ये जो आप देख रहे हो सामने है ये गोबर गणपति, गणेश गोबर गणपति है। फिर हरिद्रा गणपति हल्दी कलर का नहीं, हल्दी से बनाया हुआ। फिर सुवर्ण गणपति, और ये तो गोबर गणेश है, इसको केवल पीला का कलर दिया गया है। और ये मुझे उरई से मिला था, मध्य प्रदेश या यूपी में जो उरई है वहाँ से ये मुझे प्राप्त हुआ था। तो और हम लोग खुद बनाते भी हैं गोबर गणपति। इन सभी गणपति में कौन सा गणपति को हम लोग इस गणेश चतुर्थी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दें? सभी गणेश अच्छे हैं, मैं इसमें के ऊपर बोलता हूँ सिद्ध गणपति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिद्ध गणपति इस बार एक अच्छा योग लगा है, क्योंकि शनि पुष्या 31 अगस्त को हो रहा है और 7 तारीख को गणपति पूजा हो रहा है। और आप लोग जिसको पता हो, मदार कहा जाता है, सफ़ेद मदार, हम लोग इधर अर्क बोलते हैं, अर्क पुष्प बोलते हैं। और इसका आप ये फोटो देख सकते हो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसके जड़ से एक गणपति निकलते हैं, ये इसका जड़ है, अगर जड़ दिखाई दे रहा हो तो, हाँ ये दिखाई दिया।
इस जड़ों को खोदने से इसके अंदर गणपति निकलते हैं। सभी पेड़ में नहीं निकलता है, मतलब 100-150 में कोई एक निकलता है और बहुत कॉस्टली होता है। और इस जड़ को लाके पेड़ को नहीं मार के शनि पुष्या में गणपति का निर्माण किया जाता है। और ये एक ऐसा गणपति जिसको कि आप घर में रखने से धन धान्य गोप लक्ष्मी लक्ष लक्ष्मी का प्राप्ति और हर प्रकार के जीवन में सफलता और जो भी जिंदगी में कर्म कर रहे हो उसका जितना भी बाधा विघ्न है उन सभी का समाधान, जीवन में विघ्नों का नाश करना, इन सभी के लिए आवश्यक है ये मदाड़ का गणपति या अर्क गणपति। और इतना सहजता से ये तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो मिलता है। ये आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। और पुष्या का नक्षत्र मिल जाए और आपके भाग्य में ऐसा कहीं आपके आसपास दिख जाए पेड़, तो उसको विधिवत पूजा करके उसके अंदर से वो गणपति आज के दिन में गुरु के आज्ञा के अनुसार इसको निकाला जाता है। सभी के मेरे आज्ञा अनुसार मत निकालिए, आप अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार निकालिए। और तो इस गणपति को अगर इस मिल जाए, और आप जानते हो कि शनि पुष्या में हर प्रकार का, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, हर प्रकार का जड़ों का संग्रह, पंचांग का संग्रह किया जाता है लंबे समय एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस और तांत्रिक प्रैक्टिस के लिए। छोटे छोटे जड़ शनि पुष्या का कलेक्शन बड़े बड़े हजारों लाखों रुपया का ग्रह रत्न से ज्यादा कीमत होता है, ज्यादा कारगर होता है। और हमारे उड़िया एस्ट्रोलॉजी में तो ये जैसे पत्थर रत्न देते हैं, ऐसे हम लोग मैक्सिमम जड़ देते हैं ग्रहों को बैलेंस करने के लिए। तो इस समय आप लोग जितने भी नक्षत्र पौधे हैं उनका संग्रह तो करें अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज है तो। लेकिन अगर आपके पास, मैं सब तो नहीं कर सकते, सबका भाग्य में नहीं होता है। और इसका कलेक्शन भी, मतलब जैसे हम करवाते हैं बहुत सारे मेरे शिष्य लोगों के लिए, शिष्य तो नहीं कहूँगा, स्टूडेंट्स के लिए, मित्रों के लिए, तो एक एक का कलेक्शन सोचिए, 15 दिन पहले से हम लोगों का लोग लगे हुए हैं, अभी एक एक कलेक्शन का कॉस्ट नियर अबाउट 10,000-20,000 लग जाता है। तो क्योंकि उस ऐसे मदार का, अर्क का, ये सफेद अर्क का जंगल में जाना, ढूंढना और उसके अंदर कहाँ है निकालना, और पुराना से पुराना पेड़ हो, और फिर पेड़ को मारना नहीं है, जीव हत्या नहीं करना है, और उसको फिर लाके गणपति का रूप देना बनाना, तो थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा काम रहता है, कष्टकर कार्य रहता है, और ये सबको मिलता भी नहीं है, और उतना पैसा भी सबको खर्चा करना भी नहीं चाहते। क्योंकि 10 जगह में खोदेंगे नहीं मिला, फिर तीसरा जगह में खोजा नहीं मिला, फिर वहां खोदा नहीं मिला, फिर खोद के उसको गाड़ना, फिर वो पुष्या से पहले रात को, मतलब शुक्रवार को शाम को पूजा होगा, विधिवत पूजा किया जाता है, आमंत्रण किया जाता है, फिर प्रार्थना किया जाता है, फिर जाके उसको संग्रह किया जाता है, फिर उसका भी पंचामृत में शोधन होगा, पंचगव्य में शोधन होगा, और फिर उसको पूरे सिंदूर में डुबा के रखा जाएगा, फिर गाय के घी में डुबा के रखा जाएगा, फिर तेल में डुबा के रखा जाएगा। ऐसे करते करते फिर गणपति के दिन जिस दिन पूजा होगा उस दिन उसका विधिवत कर्मकांड होगा, पूरा जीवन न्यास और वो प्राण प्रतिष्ठा, फिर उसका 16 उपचार पूजा, फिर उसका हवन करके सिद्ध किया जाएगा। तो रेयरेस्ट मैं बोल रहा हूं, अगर कोई एक दो आदमी भी कर लिए तो, आपके पास जो ग्रामीण क्षेत्र में है, बहुत बहुत देखना लाइफ परिवर्तन हो जाता है। मैं बोला ना, मेरा जो तंत्र गुरु हैं,
एक लोटा और कंबल के साथ मेरे गांव में आए थे, और आज के डेट में उनके पास क्या नहीं है, व्हाट नॉट, करोड़ों का मालिक है। ऐसा गणपति मिलना और उसको सिद्ध कर पाना, जीवन में हर एक बाधा विघ्न को दूर कर देता है ऐसा सिद्ध गणपति, तो आप लोग कर सकते हो। और मेरे पास इस बार मात्र 11-12 कलेक्शन के लिए आया है, तो मैं लोग तो लगा के रखा हूँ, और अभी उतना ज़्यादा और ज़्यादा कलेक्शन करने का संभव भी नहीं है, बारिश का दिन है, लोग लगे हैं इस काम के लिए, और ये एक बहुत उत्तम कार्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आप लोग अपने गुरु की आज्ञा आदेश के अनुसार करना, मैं केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरे को बोलोगे तो भी मैं कर नहीं पाऊंगा, अभी जिनका करना था, जिनका काम चल रहा है चल रहा है, उनमें से अभी तक 4 या 5 मिला है, मतलब अभी टाइम है, और अभी तो कलेक्शन नहीं होगा, केवल अभी डिमार्केशन होगा, कलेक्शन तो 30 तारीख को पूजा होगा और 31 अगस्त को कलेक्शन होगा, और 31 अगस्त शनि पुष्या आ रहा है, तो आई थिंक ये साल का ये आखिरी शनि पुष्या होगा। उसके बाद मतलब इस प्रकार का जो राइट टाइम में मिलना, कभी कभी दिन में भोग हो जाता है शाम को नहीं मिलता है, कभी शाम को भोग होता है दिन में नहीं मिलता है, यानी ये राइट टाइमिंग में मिल जाए, ताकि आप पहला दिन आमंत्रण करो, दूसरा दिन कलेक्शन कर पाओ, और रात भी नहीं हो, तो ऐसा एक अच्छा अगस्त 31 को आ रहा है, और ठीक उसका 7 दिन के बाद गणपति पूजन है, तो बहुत बहुत अच्छा ओकेजन है। मैं तो कई साल से ऐसा योग मिलते हुए नहीं पाया हूँ, कई साल से बोल रहा हूँ, तो इस साल को मिल रहा है, तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग इसको मिस नहीं करेंगे। और जो लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं ऐसे गणपति का, तो उन्हें इसके बारे में पता है। और ये जो रूल यहाँ गणपति में लगता है कि एक ही गणपति रखेंगे, सिद्ध गणपति के साथ ऐसा नहीं है। और न, एक यहाँ से अपने सोनिया जी इलेक्शन लड़ती हैं, नाम याद नहीं आ रहा उस जगह का, और वहाँ एक गुरु जी थे जो मेरे को वहाँ प्रवचन वगैरह किए थे, अमेठी या क्या नाम है वो, रायबरेली ऐसा कुछ जगह है। शनि 7:30 का मार हो या शनि महादशा हो, अगर इसका जड़ मिल जाए और गणपति वाला जो पेड़ जिसमें हो ऐसा मिल जाए, तो फिर वहां मैक्सिमम शनि का दंड न्यूट्रलाइज हो जाता है, ऐसे बताया गया है। और मैं इसके ऊपर कई सारे प्रैक्टिकल करके देखा भी हूँ, मतलब इट इज इक्वल टू घोड़े का नाल और नाव का कांटी कांटा और नाव का जो मशरूम और नीलम, इन सबसे ज्यादा कारगर होता है, इसका कोई तुलना नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आप इसके गहरातम तत्वों को समझते होंगे। ये इस प्रकार का योग बहुत सालों के बाद लगता है कि उसी माह के अंदर, उस पक्ष के अंदर ऐसा मिल जाए कि यहाँ शनि पुष्या भी मिल जाए और गणपति भी मिल जाए और उसका संग्रह भी हो जाए, और गणपति पूजा के दिन में, गणेश पूजा चतुर्थी के दिन में इसका प्राण प्रतिष्ठा और न्यास हो जाए, तो ये सहज से नहीं मिलता है। आप पीछे जाके चेक कर लो कितना साल के बाद ये योग आ रहा है। और ये हर प्रकार के विघ्न विनाशन के साथ साथ रक्षक भी होते हैं, और धन प्राप्ति से लेके जो भी जीवन में समस्याएं हैं, मैं देखा हूं ऐसा गणपति आने के बाद जीवन में ये प्रचंड द्रव्य प्राप्ति योग है। जैसे मैं बता रहा था उस दिन आपको, ये हत्था जोड़ी या सियार सिंगी या सूर्य यंत्रम, इस प्रकार का चीज रेयरेस्ट होते हैं, जल्दी मिलते नहीं है, और ऐसा योग में मिलना भी, तो ये एक अच्छा योग है। मैं आशा करता हूँ जो लोग भी मकर राशि के, कुंभ राशि के, मीन राशि के, या आने वाला समय में 7:30 का मेष राशि के लिए, या ढैया वाला जो सिंह राशि है, या धनु वाले जिनका आने वाला समय में कुछ ज्यादा ही पीड़ा दिखाई दे रहा है, तो इनको तो जरूर इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर सिद्ध गणपति नहीं भी मिलते हैं, तो इसका इसी शनि पुष्या के दिन में इस जड़ का संग्रह जरूर कर लेना चाहिए, और हवन करके, सिद्ध करके, इसको पंचामृत में मार्जन करके,
पंचगव्य में शोधन करके तांबे के ताबीज में इसको जरूर धारण करना चाहिए शनि साढ़े साती और महादशा में। इससे महान औषधि क्योंकि गुरुवाणी है तो आप जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।